भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया में भारत के रॉकेट लॉन्चर की जमकर तारीफ हो रही है। कई देश भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदना भी चाहते हैं और भारत के कई साझेदार इन्हें खरीद भी रहे हैं। भारत अपने हथियारों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने साझेदारों के लिए भी बना रहा है। भारत ने हाल ही में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी थी और अपना खतरनाक पिनाका रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को दिया था, जिससे तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को खूब मिर्ची लगी, इतनी कि अजरबैजान ने भारत को धमकी दे डाली। हालांकि इस पर भारत ने अजरबैजान को जोरदार जवाब दिया और साफ किया कि भारत अपने हथियारों को निर्यात करने का अधिकार रखता है और वो ये जरूर करेगा। हालांकि यहाँ भारत ने अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को अपना दोस्त बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अजरबैजान और आर्मेनिया से जुड़े सवाल के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की भी नीति है। हाल ही में अजरबैजान इस बात से भड़क उठा था कि भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने कहा कि भारत, फ्रांस और ग्रीस की तरफ से आर्मेनिया को हथियार दिए जा रहे हैं जो अजरबैजान के खिलाफ हैं। अलीयेव ने कहा कि ऐसी हालत में हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। एक विश्वविद्यालय में सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलहाम अलीयेव ने कहा था कि जब भारत, फ्रांस और ग्रीस हमारे खिलाफ आर्मेनिया को हथियार देंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। वो खुलेआम ऐसा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। और अजरबैजान के इसी आरोप का जवाब भारत ने अपने तरीके से दिया। भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ अच्छे संबंध होने की बात कही और इसके अलावा रक्षा निर्यात को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर कर दी। बता दें, भारत के पास उसके खुद के एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी खासियत के लिए जाने जा रहे हैं। खरीदने वाले इन हथियारों को खरीद भी रहे हैं। ऐसे में भारत के हथियारों का सबसे ज्यादा खौफ वो देश खा रहे हैं जिनके खिलाफ इनका इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें से एक है अजरबैजान भी, जो इस समय भारत को चेतावनी दे रहा है। लेकिन भारत ने उसकी चेतावनी को हवा कर दिया और खुला ऐलान कर दिया कि भारत अपने हथियारों का निर्यात जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।